देखो बेटा, ये भी सवाल एंगल आप बैंकिंग पर आधारित है। आपको मालूम है, अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो बगैर टिलीट करे गोले में नहीं घूम सकते, यानी बगैर झुके हुए। अगर आपके पास साइकिल है, बाइक है, दो पहिया वाहन है, तो आराम से आप झुक लेते हैं, कर लेते हैं। कार आर होगी, कार, बस, ट्रक, ट्रेन नहीं झुकेगी, तो आप क्या करते हैं कि एंगल आप बैंकिंग बना देते हैं टेन थीटा। और आपने देखा था कि जो टेन थीटा था, जो एंगल ऑफ बैंकिंग था, वो किसके बराबर था? वी स्क्वायर अपॉन आर जी के। और आप जानते हैं फ्रिक्शन में आपने देखा था जो टेन थीटा था वो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, क्योंकि बैलेंस करने के लिए आपने देखा था ये एम जी है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। एम एल राइट। तो एम जी के दो कंपोनेंट हो गए थे, ये ज्योमेट्री से थीटा हो गया था, तो ये एम जी कॉस थीटा, मैं राइट, और ये हो गया था एम जी साइन थीटा। अगर ये इधर आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन, और आप जानते थे म्यू टाइम एन, यानी कि म्यू टाइम एन की वैल्यू किसके बराबर होती बेटा? एम जी कॉस थीटा के। तो जब ये दोनों कंपोनेंट बराबर होंगे, ग्रेविटेशनल वाला एम जी साइन थीटा बराबर म्यू टाइम एम जी कॉस थीटा, तभी तो ये बैलेंस रहेगी, ये बॉडी या ये कार, ये बस या ट्रक। एम जी कैंसिल हो गए और म्यू बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कई बार सिखाया है आपको टेन थीटा, तो आपने कसा भी ये टेन थीटा है, वो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है हमको टायर और कार के बीच में, उसके बराबर हो गया। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगा? वेलोसिटी का स्क्वायर म्यू एस आर जी। आपको वेलोसिटी चाहिए थी तो आपने कहा अंडर रूट म्यू एस आर इंटू जी। है कोई? यस, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन।